पाकिस्तान में जन्मे असुमल हरपलानी कैसे बने लोगों के आसाराम बापू, समर्थक आज भी मानते हैं पाक साफ, जानिए क्या है पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी अध्यात्म गुरु आसाराम बापू पर जोधपुर की विशेष कोर्ट आज फैसला सुना रही है। हो सकता है उन्हें 10 साल की सजा भी हो जाए। इसके अलावा उन पर दो बच्चों की नरबली, सूरत की दो बहनों का बलात्कार और 9 गवाहों पर हुए जानलेवा हमलों में 3 की हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे गंभीर मामले में आरोपी होने के बावजूद भी उनके समर्थक उन्हें पाक साफ मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। दरअसल आसाराम का असली नाम असुमल हरपलानी है। उनका जन्म साल 1941 में पाकिस्तान के सिंध इलाके में हुआ था। विभाजन के बाद सिंधी व्यापारी समुदाय से संबंध रखने वाला उनका परिवार अहमदाबाद आ गया और 20 साल की उम्र में असुमल ने अध्यात्म की राह पकड़ ली और लीला शाह को अपना गुरु बनाया। बस यहीं से असुमल का नाम आसाराम हो गया। साल 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुटेरा कस्बे में अपना पहला आश्रम शुरू किया। उन पर हत्या, बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा उनके आश्रमों पर जमीन हड़पने के आरोप भी लगे हुए हैं। आसाराम के आश्रमों की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में उनके 4 करोड़ अनुयायी हैं। इसके अलावा उनके दुनिया भर में 400 से ज्यादा आश्रम भी हैं। हम दर्शकों को ये बता दें कि आसाराम की पहुंच बढ़ाने के लिए उनके बेटे नारायण साई ने भी खुद को अध्यात्म के हवाले कर दिया था। जानकारी ये बताते हैं कि आसाराम ने अपने कार्यक्रमों के दौरान मुफ्त भोजन जैसी सुविधाएं शुरू की थी, जिससे कमजोर तबके के लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए। इसके अलावा आसाराम के गुजरात और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में स्थित आश्रम मुफ्त देशी दवाइयां भी बांटते हैं, जिससे इलाके के लोग बड़ी संख्या में इन आश्रमों में जाने लगे। आसाराम उन कुछ आध्यात्म गुरुओं में शुमार है जिनके अनुयायी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही शीर्ष नेता रहे हैं। बापू के शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मोतीलाल वोरा जैसे नाम शामिल रहे हैं। इन सब के अलावा शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमल और वसुंधरा राजे भी बापू के आश्रम जाते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के सीएम होने के दौरान कई बार उनके आश्रम में होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत हुए थे। लेकिन साल 2008 के बाद जब मुटेरा आश्रम में 2 बच्चों के नर कंकाल बरामद हुए तो अधिकतर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने उनसे दूरी बना ली थी। हम आपको आगे ये बताना चाहेंगे कि उनका केस देश के सबसे महंगे वकील लड़ते रहे हैं। इन वकीलों में राम जेठमलानी, राजू रामचंद्रन, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे खास नाम हैं। दरअसल नाबालिग के रेप के मामले में आसाराम की गिरफ्तारी 31 अगस्त 2013 को इंदौर स्थित आश्रम से हुई थी। उन पर एक 16 साल की लड़की के साथ रेप का आरोप था। पॉक्सो एक्ट और बहुत सारी धाराओं के अंतर्गत वो फिलहाल जेल में बंद हैं और उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। आज एक अन्य मामले में उन पर रेप का आरोप है जिसकी सुनवाई होने वाली है। इस मामले में उन्हें कम से कम 10 साल की सजा होने के आसार हैं। तो चलिए इसी के साथ दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।